क्वेश्चन नंबर 9 7.1 इफ क्यू 0.1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी 5.-3 एंड आर एक्स 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर. एक हमारे पास में तीन पॉइंट है, एक पॉइंट है क्यू पी और आर. जिधर क्यू वाला जो पॉइंट है क्या नाम है इसका, पॉइंट है इसके 0.1. जो क्यू वाला जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब कि इक्विडिस्टेंट मतलब दोनों की जो डिस्टेंस है वो किसी है इक्वल है. इस पी की डिस्टेंस किससे, मतलब क्यू की डिस्टेंस पी से और आर से, ये दोनों की जो डिस्टेंस है वो कैसी है इक्वल इक्वल. क्लियर हो गया. पी के कोऑर्डिनेट है हमारे 5.-3, आर के कोऑर्डिनेट है x.6. आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और क्यू से आर तक की डिस्टेंस और पी से आर तक की डिस्टेंस भी आपको क्या करनी है फाइंड करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, तो कि यहाँ पे आएगा क्या. इस एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि ये इसकी यहां से आने की डिस्टेंस और यहां से आने की डिस्टेंस कैसी है इक्वल. तो पहले हम फाइंड करते हैं पी से क्यू से पी. लिख सकते हैं गिवन इज दैट कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू 0.1, कोऑर्डिनेट ऑफ पी 5-3 और कोऑर्डिनेट ऑफ आर x.6. इक्विडिस्टेंस कौन है, क्यू पी एंड क्यू आर दोनों कैसे हैं इक्वल. टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड क्यू आर एंड पी आर, ये दोनों की डिस्टेंस अपने को क्या करना है फाइंड करना. तो पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करो, ये वाली हिंट जो है इसी का यूज करते हैं कि क्यू पी और क्यू आर इक्वल है. इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी इसे सेम किया था हमने कि क्यू पी के लिए फार्मूला, हमने फार्मूला लगाया था, क्या फार्मूला है, x2-x1+y2-y1. तो मान लेते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. x2-x1 5-0 5-0 का होल स्क्वायर. फिर अगला होता है y2-y1 का होल स्क्वायर, तो y2-y1 -3-1 का होल स्क्वायर हो गया. अब किसके लिए लगाना है, क्यू आर के लिए. तो क्यू आर के लिए ये क्यू है और ये आर है, अब पी का कोई काम नहीं है. तो ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है. तो फार्मूला क्या है, x2-x1 तो x2-x0 प्लस 6-1 y2-y1. क्लियर हो गया, सॉल्व करें इसको. तो पहले तो रूट से रूट कैंसिल होता है ना, तो 5-0 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर. -3-1 सेम साइड प्लस हो जाएगा, तो -3-1 -4 का स्क्वायर. एक्स को जीरो में से माइनस करेंगे, एक्स ही जाना है, अपोजिट साइड माइनस हो जाएगा, 6-1 5 डायरेक्ट हम काट ले सकते हैं या फिर सॉल्व करके भी काट ले. 25 इधर भी प्लस का, इधर भी प्लस का. अपोजिट साइड कब देखते हैं, जब दोनों एक साइड होते हैं.
यदि दोनों अलग अलग साइड है तो सेम साइन देखते हैं, तो ये भी इधर 25 पे, ये भी 25 प्लस का है, अभी 25 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस, और ये आएगा प्लस, तो ये प्लस का होगा इधर जाएगा वो माइनस, ऐसे भी काट सकते हैं डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी काट सकते, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगा दिया, एक्स इक्वल 4 × 4। अब एक्स की जो वैल्यू है प्लस माइनस हो रहा है, क्यों, क्योंकि रूट में से कोई भी नंबर यदि बाहर आता है तो प्लस का भी होता है और माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 16 कितना होता है 16, और प्लस 4 का 16, तो 16 जो स्क्वायर रूट है किसका, 4 का कि माइनस 4 का, दोनों, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा है प्लस 4 और माइनस 4 दोनों का स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या गई आपकी प्लस माइनस 4, ये हो गया, आ रहा समझ में, क्लियर हो गया, आगे समझ, ये यहां तक क्लियर हो गया आपकी एक्स की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, क्यू आर और पी आर की वैल्यू निकाल, क्यू आर और पी आर, तो क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं पहले, क्योंकि क्यू आर के अभी पहले पी आर की निकालते, क्योंकि क्यू आर के अंदर हमारे पास क्या है, दो वैल्यू है 4 की, एक बार प्लस रखना पड़ेगा और एक बार माइनस माइनस भी रखना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं पहले पी आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पी आर के लिए गया ये, इसके अंदर भी दो वैल्यू रखनी पड़ेगी, एक काम करते हैं पहले प्लस 4 रख के निकाल लेते हैं फिर बाद में माइनस 4 रख के निकाल, तो पी ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई वन, अब यहां से चाहे तो आप ये चल रही लिखा लेने देते हैं, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे माइनस 4 रखते हैं, माइनस 4 माइनस 5 सॉरी प्लस का 4 ले रहे हैं अभी हम, तो प्लस का 4 माइनस का 5 है ना, ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई टू माइनस वाई वन, तो 6 माइनस माइनस 3 6 माइनस माइनस 3 6 माइनस माइनस 3 दो माइनस हो जाएंगे, तो पी टू आर कितना होगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 + 3, क्लियर है, पी आर 1 प्लस 81 कर दिया डायरेक्ट 82, ये किसके लिए था, पी टू आर प्लस 4 एक्स इक्वल प्लस 4। अब किसके लिए करेंगे, माइनस 4, कुछ भी नहीं करना है पूरा एज इट इज होगा, बस यहाँ पे माइनस से माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, तो पी आर 9 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर पी आर, ठीक है, यहाँ पे 81 प्लस 81 तो जाएगा 2 × 81, 2 टाइम इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम लिखा होता 3 का मल्टीप्लाई कर, 81 रूट से बाहर आएगा तो 9√2 यूनिट, ये किसके लिए है, फॉर एक्स इक्वल माइनस, क्लियर हो गया, पी आर की वैल्यू निकाल लिया, क्यू आर की क्यू आर के लिए निकाल रहे हैं तो समझना, अभी यहाँ पे वापस प्लस 4 लेंगे फिर बाद में माइनस 4 लेंगे, तो प्लस 4 लेने पे देखा प्लस 4 में एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, हमने यहाँ पे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू है, तो हम क्या कर रहे हैं फार्मूला क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो प्लस 4 ले रहे हैं तो 4 माइनस 0 प्लस 6 माइनस क्लियर, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 कितना हो जाएगा 16 16
प्लस 25 कितना हो गया 41 यूनिट। ये किसके लिए था? क्लियर है? अब माइनस वापिस से वही करना है, बस आपको यहाँ पर प्लस फोर की जगह रखना है माइनस फोर। कितना हो गया 16 प्लस 25 41। क्लियर हो गया? ये किसके लिए था? ठीक है, तो इस तरीके से इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया आपने, x की वैल्यू निकाली है जो इजी है, बस आपको यहाँ पे qr और pr की वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके एक बार प्लस में रखना है एक बार माइनस में। यदि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से आ जाता है तो आप आराम से रख सकते हो। ठीक है।